गाजर के हलवे की आप बहुत सारी रेसिपी जानते होंगे और आजकल गाजर का हलवा बनाना इतना आसान हो गया है कि बिना मेहनत ही आप 5 से 6 मिनट में हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और गाजर को उबालकर आप इसका हलवा बना सकते हैं, मैश करके बना सकते हैं, बिना ग्रेट किए बना सकते हैं, बिना काटे भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से गाजर का हलवा बनाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, यानी कि हमारी दादी नानी जो गाजर का हलवा बनाती थी, आज मैं वही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से अपनी दादी नानी और माँ के हाथों के जैसे बने हुए गाजर के हलवे की रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लगभग 1 केजी गाजर लिया है और इसको अच्छी तरह से छिलकर इसकी दोनों तरफ की किनारी को निकाल दी हूँ और धुलकर फिर यहाँ पर रखी हूँ। एक गाजर देखिए मैंने ग्रेट किया है, अब बाकी का गाजर भी ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हलवा बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही गाजर को घिसने के लिए। और मैंने गाजर के हलवे की बहुत सारी रेसिपी डाली है जो बिना मेहनत के भी बन जाती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है उसकी तो बात ही अलग है। तो आज मैं वही पुराना तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन स्वाद इतना गजब का होगा कि आप बाकी सारा हलवा खाना भूल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे 1 किलो गाजर को घिस लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पर कढ़ाही चढ़ाकर इसमें लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। गाजर के हलवे में घी का यूज ज्यादा होता है लेकिन एक साथ पूरा घी नहीं डालेंगे, तो पहले हम लगभग 2 टेबल स्पून घी इसमें डाल देंगे। घी हल्का गर्म हो जाए तो लगभग 1 छोटी कटोरी काजू डाल देंगे। आप इसमें काजू और बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है डाल दीजिए। मैं काजू थोड़ा ज्यादा मात्रा में डाल रही हूँ क्योंकि बादाम नहीं डालूंगी। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मैं हल्का सा फ्राई करके फिर हलवे में डालूंगी। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करके डालने से ये बहुत बढ़िया खस्ता हो जाता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसको हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जिससे ये बढ़िया से खस्ता हो जाए। तो इसका कलर देखिए बिल्कुल हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और बस इसको डालने के बाद तुरंत फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको चलाकर बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर आने तक इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसी देसी घी में डाल देंगे ये घिसा हुआ गाजर। फ्लेम मीडियम हाई करके चलाते हुए बस 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। इस तरह से 2 मिनट अगर हम गाजर को पहले भून लेंगे तो हलवे का कलर बहुत बढ़िया आता है। तो बस मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। तो 1 किलो गाजर था, अब इसमें हम डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो जितना गाजर है उतना ही मैंने दूध भी लिया है। इस तरह से फ्लेम मीडियम पर करके थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसको चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से दूध को ड्राई करना है। जब तक दूध ड्राई होगा तब तक गाजर भी अच्छी तरह से गल जाएगा और ध्यान रखेंगे कि फ्लेम हाई नहीं करेंगे, नहीं तो गाजर कच्चा रह जाएगा। तो दूध देखिए सूख चुका है और गाजर भी गल गया है। अब कुछ देर के लिए फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे जिससे थोड़ा बहुत जो दूध है ये भी अच्छे से सूख जाए। तो देखिए दूध पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसमें चीनी डालेंगे, तो मैं यहाँ पर लगभग 250 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। और हलवाई के यहाँ का हलवा आप देखे होंगे काफी ज्यादा मीठा होता है, तो आप अगर उतना ज्यादा मीठा चाहते हैं तो 250 से 300 ग्राम तक चीनी ऐड कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में डाल देंगे मावा, तो लगभग 250 ग्राम मावा है और ये होममेड मावा है। इसकी रेसिपी चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो आप चाहे तो मार्केट वाला मावा भी ले सकते हैं। और ये करीब 250 ग्राम मावा है, तो इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देंगे। अब इसी के साथ में ये फ्राई किया हुआ काजू डाल देंगे। तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया है, थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निश के लिए। और पिस्ता को अभी नहीं कट की हूँ, पिस्ता को भी 2 टुकड़ों में कट करके फिर गार्निश करूँगी।
और इसी के साथ में डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी। अभी हम इसमें एक खास चीज और डालेंगे जो हर मिठाई की जान है। इसमें हम चीनी और घी डाले हैं जिसकी वजह से फिर से ये गीला हो जाता है। अब फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो हलवा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची जो लगभग हर मिठाई की जान होती है। तो 2 से 3 हरी इलायची इसमें ऐड कर देंगे और हरी इलायची का छिलका भी मैंने ऐड किया है। लेकिन ध्यान रखिए कि इलायची का पाउडर मत लीजिएगा, इलायची को थोड़ा सा दरदरा कूट के फिर डालिएगा तो उससे इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आएगा। तो ये देखिए हमारा बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनकर तैयार है। देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल वही पुराना स्वाद जो हमारी दादी नानी बनाती थी वही वाला स्वाद इसमें है। और बिल्कुल मैंने इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, बस इसमें चीनी और घी का यूज थोड़ा सा कम की हूँ क्योंकि आजकल परिवार के हर मेंबर के स्वास्थ्य को देखकर भी सभी चीजें बनानी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने चीनी और घी का यूज थोड़ा सा कम किया है। तो बहुत बढ़िया हमारा ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको सर्व करेंगे। इस गाजर के हलवे में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है लेकिन यकीन मानिए हलवा इतना गजब का बनता है ना कि आप जब भी हलवा बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे और फटाफट जो हलवा बन जाता है वो भी खाने में काफी टेस्टी लगता है। लेकिन आपको हलवे का जो स्वाद पुराने जमाने से चला आ रहा है वो चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद बनकर तैयार होगा ये गाजर का हलवा। जितनी भी मेहनत किए हैं यकीन मानिए सारी मेहनत सफल होने वाली है, ये हलवा इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। तो पुराने जमाने से ही हमारी दादी नानी या फिर हमारी माँ इसी तरह से गाजर का हलवा बनाती थी, थोड़ा सा समय देती थी, थोड़ा सा पेशेंस रखती थी, उसके बाद जो स्वाद निखर कर आता था पूरे परिवार को अपना दीवाना बना लेता था। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।